वक्त आ गया है परीक्षा के परिणाम का, वक्त आ गया है जनता के जनादेश के सम्मान का, और ऐसे में नतीजों का दिन 3 दिसंबर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के जरिए आप ये जानेंगे कि आखिरकार 3 दिसंबर सियासी तस्वीर 5 चुनावी राज्यों में क्या रह सकती है, और इसकी खास तैयारी आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की है। सबसे पहले ये स्क्रीन देख लीजिए आप, ये ऊपर जो टॉप बैंड आप देख रहे हैं, ऊपर जो टैली चलते हुए आप देख रहे हैं, यहां पर 5 चुनावी राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है 230 विधानसभा सीटों वाला मध्य प्रदेश, भारत का दिल, उसी के आंकड़े यहां ऊपर आप देखेंगे। 230 विधानसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के आगे 0-0, कांग्रेस के आगे 0-0, अदर्स के आगे 0-0 आप देख रहे हैं, और जैसे ही आंकड़ा आना शुरू होगा नंबर बदलना यहां शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेरे दाई और बाई और जो बाकी 4 राज्य हैं उनके आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे, और फिर इसके बीच में जो जगह है वहां पर रीजन वाइज आंकड़े आप समझ सकें, गहराई से जान सकें कि आखिरकार अगर छत्तीसगढ़ में कौन बढ़त बना रहा है तो फिर दक्षिण रीजन में किसकी ज्यादा पकड़ हो रही है, उत्तर रीजन में कौन आगे है, इस तरीके की तमाम डिटेल जानकारियां भी स्क्रीन पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं राजनीतिक मेहमान, उन्हीं से एक क्विक रिएक्शन। केके शर्मा जी, छत्तीसगढ़ को लेकर आपका आकलन। निश्चित तौर से जिस ढंग से वहाँ पर हमें बढ़त मिल रही है, मैं कह सकता हूँ रोमाना जी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए वहाँ एक अंडर करंट आप एक समझ सकते हैं आंकड़ा आने वाला है कि हमारे पास वहाँ पर कुल 15 सीट है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और जितने भी अभी तक मैंने ओपिनियन पोल देखे हमें लोग 40 सीट तक दे रहे हैं, तो मैं ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा, जब कितना गुना वृद्धि दिखा रहे हैं 15 से लेके 30, 30 से लेके 45, यानी 40, मतलब 2.5 गुना यदि हम इंप्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। क्योंकि यदि इंतजार कर लीजिए, क्योंकि महज 2 मिनट के बाद छत्तीसगढ़ का ही वो पहला आंकड़ा, एग्जिट पोल का आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जल्दी से आलोक शर्मा जी, आपका आकलन छत्तीसगढ़ को लेकर। 60+-2, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? हमारा इंटरनल अपने जो कैंडिडेट्स के अपने अंदाजे हैं और कैंडिडेट्स और वर्कर्स से जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर। ठीक है, एक सवाल और जल्दी से। अच्छा, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।